ग्रेटर नोएडा के बैथनी कॉन्वेंट स्कूल में आज रंगारंग कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए गए। इस मौके पर SDM सदर अंकित कुमार जी ने पहुंचकर बच्चों की हौसला अफजाई की। I congratulate the entire team, so many horses, wonderful job by horse captains. I also congratulate the faculty of this school because it is faculty who inculcate all the values, right values, sense of right and wrong among their students. I congratulate them. And moreover, most importantly, I congratulate the principal of this school, the leader of this school, who is having nice heart towards all sections of the society, all people of the society. I'm told that some very poor students are used to come here, they get education here. And the beautiful part is that the parents of other normal students, they support this. This is very wonderful thing I am finding in Greater Noida. So I congratulate all of you. Please keep this spirit high. Please keep this spirit high. I am very sure that these students will do very good in their futures to come. जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, तो मैं भी परफॉर्म करता था बच्चों। मुझे याद है जब मैं परफॉर्म करता था वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं गीत गाता था और उसके बाद लोग मुझे प्राइज देते थे और उसको मैंने लेके आता था। वो अपनी पिछली यादें हैं और थ्रू आउट लाइफ रहती। छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, मैं पूरी उम्मीद और दावे के साथ कहता हूँ ये बच्चे ना केवल जिंदगी में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करेंगे बल्कि इन मेमोरीज को भी सजोग रखेंगे और ओवरऑल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो उनके लिए शुभकामनाएं। सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रेटरनिटी, ब्रदरहुड, इसकी बात नहीं बच्चों ने की। गांधी जी ट्रुथ और नॉन वायलेंस का मंत्र देते थे। सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है बच्चों? ट्रुथ, क्योंकि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ट्रुथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकल के आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और नॉन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप वायलेंस की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएं जिसमें देयर इज नो कमबैक। बट नॉन वायलेंस, द वेरी एसेंस ऑफ नॉन वायलेंस, फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। आपको कोई कुछ ऐसा भला बुरा कहे तो गुस्सा करना ऑब्वियस आउटकम लगता है, लेकिन कंट्रोल करना और उसे नॉन वायलेंस या नॉन एंगर की तरफ ले जाना और उसको पीसफुली हैंडल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एवरीवन। सो गांधी जी ने जो मंत्र दिया था नॉन वायलेंस, उसकी जो आत्मा है उसको हम सबको समझने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो गांधी जी, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद भी गांधी जी दो तीन चीजों को लेकर बहुत चिंतित थे। उनको, उनका कहना था हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई बट व्हाट अबाउट सोशल फ्रीडम, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, व्हाट अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। It is often overlooked. These aspects are often overlooked. So it is our children, it is our faculty, and ma'am, principal ma'am, I'm very sure, please inculcate these values as well. ताकि ये बच्चे जब आगे जाएं, तो ये हमारी society को इस चश्मे से भी देखें और कहीं ना कहीं equality या equity की तरफ ले जाएं। That is very important.
सोशल फ्रीडम बिकॉज देर इज सो मच डिस्क्रिमिनेशन, सोशल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, आजादी के इतने सालों बाद भी है। मुझे लगता है हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने सफलता नहीं पाई, सफलता पाई है, बट अभी भी माइल्स टू गो बिफोर वी सी, यस वी हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग जर्नी राइट नाउ आई कैन सी। दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मैं उन पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल चुना है, जहाँ इतनी अच्छी लीडरशिप है, जहाँ इतनी अच्छी वैल्यूज है, और आप खास तौर से बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने की एक सोच रखते हैं। बहुत मुश्किल है आजकल ऐसा मिला, बहुत मुश्किल है जो गरीब तबके के बच्चों के लिए भी एक अच्छा अच्छी सोच रखे, अच्छा दिल रखे। सो आपको भी मैं बधाई देता हूँ। एक छोटी सी मेरे मन में जो चल रही है आज के जमाने की समस्या, वो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स से शेयर करूँ एज वेल एज बच्चों से शेयर करूँ। आज डिजिटल युग है, हर बच्चा कहीं ना कहीं फोन से जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे, चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई। बेटा ये इतना पोटेंशियल है इसमें, अच्छा करेगा एज वेल एज बुरा करेगा। तो प्लीज whenever you use technology, whenever you use social media platform, please be responsible. Always think twice whether the content you are seeing is genuine or it is photoshopped or something like that. Because in the age of artificial intelligence, it is very easy to make things which are not real, and manipulation can be done. So पेरेंट्स को मेरा ये सुझाव है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए मना कर रहे, मना आप कर नहीं पाएंगे, सच तो ये है। आप उन्हें एजुकेट करें, उनके साथ दोस्ती करें, उन्हें फ्रेंडशिप करें और उन्हें सही बात बताएं कि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करें, क्योंकि आज के जमाने में मोबाइल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया जैसे ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वो बहुत ही दूसरा रूप ले रही है। मतलब आप अच्छा करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मिसयूज करना चाहेंगे तो मिसयूज कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों को छोटा सा सुझाव है, और मैं हर बच्चे से कहूँगा कि कोई एक स्पोर्ट और कोई एक आर्टिस्टिक कल्चर लाइक हॉबी, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, व्हाटएवर यू लाइक, डायरी राइटिंग, इन दो एक एक चीज दोनों से पिक करनी है आपको, कोई एक स्पोर्ट और कोई एक हॉबी, क्योंकि ये आपको हो सकता है कैरियर में बहुत ज्यादा लाभ ना दे बट आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने में निश्चित मदद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं खुद इन चीजों को अपनाता आया हूँ, मानता हूँ। इन्हीं शब्दों में सो ऑल दिस वन वीक वी हैड दिस सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन, पेरेंट्स हैव वेरी ब्यूटीफुली कोऑपरेटेड विद अस, दे हैव नॉट कम हियर बट दे हैव प्रिपेयर्ड देयर चिल्ड्रन एट सेंट, लेट्स गिव your parents a good round of applause for all the cooperation that they have given in today's celebration. Many of them are present here. Thank you, my dear parents. I take this opportunity to say a big thank you to Sri Ankit Kumar, SDM, Gautam Buddha Nagar. Sir, your presence in our campus, as the children have said, is bringing lot of honor and also encouragement to children. You spoke from your heart. You appreciated us and you have blessed and wished our children very good. So we, the Bell Knights, will always remain grateful to you for all the good that you have said and wished us. Let's give a good round of applause to sir. Every minute item, every child he has observed. This is one of the best qualities of a leader. So, sir, you are a promising leader to us and to this UP state. We wish you all the best and we wish that you be our guide and support to all of us at every time. Thank you. And I thank the management, the staff who have worked round the clock for the success of this program. And my children, the success of today's program is your hard work and devotion. Give a good, thunderous round of applause for yourself.
अंकित जी, आप यहाँ पर शामिल हुए चीफ गेस्ट के रूप में स्कूल में, आए कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं यहाँ के बच्चों के साथ अपने अतीत को भी देखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं भी परफॉर्म करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में आना क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों को राइट एजुकेशन, राइट वैल्यूज़ दी जाएंगी, सही मूल्यों को सिखाया जाएगा, तो ना केवल वो अपने करियर में अच्छा करेंगे बल्कि समाज में और देश के लिए अच्छा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि देशभक्ति इससे अच्छी कोई और दूसरी हो सकती। साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रधानाचार्य आए हैं, आज क्या कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ पर? मैं डॉक्टर शिष्टा शिल्पा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ बेथनी कॉन्वेंट स्कूल। मेरे बच्चे आज आज़ादी का दिन मनाए स्कूल में, बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम दिया। टीचर लोगों ने भी इनको तैयार किया था और हमारे श्री अंकित कुमार SDM गौतम बुद्ध नगर वाले मुख्य अतिथि रहे और हमारे सारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स थे और हमारे बच्चों ने खुलकर तिरंगा का शान बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा हमारे लिए। प्रिंसिपल मैम, ज़्यादातर कार्यक्रम आपके यहाँ पर हुए सांप्रदायिक सद्भाव वाले, एकता वाले, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि यूपी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बताया है कि मेरी माटी मेरा देश पर ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो पूरे है एक हफ्ता में बच्चों ने अच्छी तरीके से प्रोग्राम किया और इसी का नतीजा है कि आज बच्चों ने खुलकर जमकर तिरंगा का शान बढ़ाया है। थैंक यू।